नवेम्बर भितर ही खोलिब स्कूल। ड्राफ्टिंग अवस्था रही एसओपी। अभिभावक चाहिले ऑनलाइन रे क्लास करिपारिबे छात्र छात्री। नवेम्बर भितर ही नवम दशम एकादश द्वादश श्रेणी छात्र छात्री खोलिब स्कूल। एथिपाई पर्याय क्रमे स्टेक होल्डर मानंक सह आलोचना होछि। घरोई स्कूल कर्तृपक्षक सह आलोचना करिछंती गणशिक्षा मंत्री। कोरोना गाइडलाइन मध्यरे चलिब क्लास। एथिपाई ड्राफ्ट स्टेज रे एसओपी अछि। यहापर जिलापाल और जिला शिक्षा अधिकारी आलोचना 30% पाठ्यक्रम ह्रास होइछि। बाकी 70% पाठ्यक्रम पर नुआ कैलेंडर प्रस्तुत होती मंत्री। पिला स्कूल छाड़ा जदि अभिभावक राजी नहुंती ऑनलाइन रे पाठपढ़ा हो मंत्री कहते। प्रथम पर्यायर जहाँ कथा नवम दशम एवं एकादश द्वादश ताको किपर करा एवं समस्त गवर्नमेंट गाइडलाइन के मानी हेल्थ विभाग जहाँ परामर्श तांको सहित कथा हबो। आम वेबसाइट माध्यम जो मैंने अच्छा पेरेंट्स विभिन्न जो मैंने अभिभावक संघ विभिन्न जो कटा तो अनेक अच्छा संघ अनेक संघ अच्छा सहित प्राइवेट स्कूल जो मैंने कटा ओनरशिप अच्छा जोटा अच्छी जो मैंने ऑल स्टेक होल्डर्स से सहित कथबार्ता ऑलरेडी विभाग तरफ प्रक्रिया आरंभ हो सारी। निश्चिंत भाव में जहाँ एसआरसी कथा अच्छी 15 तारीख पर जो स्कूल खोलिबा कथा निश्चिंत भाव विदिन नवेम्बर निश्चिंत भाव स्कूल खोलिबा प्रक्रिया आरंभ कर। सरकार स्कूल खोलिबा को प्रस्तुत होता बेले प्रस्तुत होइनी स्कूल। देखंतु भद्रक वासुदेवपुर पौरपालिकार अटल बिहारी उच्च विद्यालय दृश्य। आज पर्यंत विद्यालय भितर पड़ रही क्वारंटाइन सेंटर व्यवहृत होता बेल। कोविड सेंटर बंद होबार बहुत दिन बीती गलानी किंतु विद्यालय गुड़ी को सफा सुतरा करा जाय नहीं। बारंटरे पिलांक बेंच आउ डेस्क पड़ी रही छे। आज पर्यंत विद्यालय विशोधन होइनथिबा अभिजोग करिछंती प्रधान शिक्षक। सेबटे बरगढ़ रे मध्य समान दृश्य। कोविड सेंटर होइतिबा स्कूल ना विशोधन होइछि ना होइछि परिष्कार परिछन्न जहाँ को देखि अभिभावकक मनरे भय। तरबरिया नुहे भाभी चिंती निष्पत्ति नेबाकु कहिछंती अभिभावक। सेबे स्कूल खोलिबा निष्पत्ति को स्वागत करिछि अभिभावक संघ किंतु सठिक भावे कोरोना गाइडलाइन पालन उपरे जोर दैछि संघ। कोविड सेंटर हेतला मार्च रु सब रूम प्राय नै थिले केवल अफिस कॉमन रूम छाड़ी बाकी से तो सब यूज करथले बैंडेज सब यूज हेतला आ लेखाइला रो सफा सब करिया पई आमे तो स्कूल नीति आसुचु आम बाधि आम निजे सफा किसी करुचु आ कौन ना ना से चेयर टेबुल सब पड़ी आसुना बुझुना खाली कौन आम पर्टिकुलर सफा सफी करल ट्रिटमेंट करलर थी लाइट थी भेन्टिलेटर मैंने चेयर टेबुल बागाई थी ना कि स्कूल पिला तले बस ना कौन सरकार ये पदक्षेप स्वागत जो पदक्षेप कारण दीर्घ 8 मास धरिकी पिला पाठपढ़ा एक रकम नष्ट कहले चले। स्कूल आरंभ पूर्व ये सब पदक्षेप सरकार ना दरकार बारंबार माने स्कूल कर्तृपक्ष माने बारंबार पत्र लिखिले अद्यावधि कौन से कार्यानुष्ठान है ना। कोविड 19 गोटे समस्या है कि एबे भी रही जेहेतु गोटे शीत दिन आसुची यार समस्या आहरी उत्कटतर होबार संभावना रही जोटा कि आम बाहर विदेशर एवं अन्यान्य अंचल संवाद पाऊँ यही समय स्कूल खोलिबा एवं पिला स्कूल को छाड़ीबा शिक्षादान व्यवस्था करिबा निश्चित भाव ठीक परिस्थिति सृष्टि करना हूँ तो आशंका लगुच यहाद्वारा संक्रमण टी बढ़ी पारे कहीं जिते पाने से नुआ नुआ कलेज जी स्कूल जी से सांगसाथी मेलर से कोविड 19 जो रूल अच्छी मास्क लगाओ डिस्टेंस मेंटेन कर हाथ धो ये सब जिनस हवा एत संभव नुहे। 9 क्लास नु 12 क्लास तक जेहेतु अर्डर दे न कि स्कूल खोल जाऊ बोले छुआ मान स्वास्थ्य हूँ मानने बड़ इम्पोर्टेन्ट जिनिस स्वास्थ्य हूँ आम मौलिक अधिकार आ छुआ मान स्वास्थ्य जब भल रहा शिक्षा आगे जावा छुआ मैंने भी आगे जी जेन लॉकडाउन रे फसी जाइए से आसिकी जगह नहीं बेले यहाँ जिन सेटा के सैनिटाइजर ना हबार कि मानने केनसी धुआ पोछा भी किसी ना हबार इथि जदि आम छुआ मैंने जी आुआ मैंने तो डिस्टेंस मेन्टेन ना कर कि मानन भी ना बेले आम छुआ मैंने असुस्थ रहा कोरोना मैंने आक्रमण करवा बेले से फिर घर के आए घर भी मानने स्वस्थ ना रहे तो तार दायी किए हबा। स्कूल खोलिबा नहीं सुधा निष्पत्ति नहीं पार ना सरकार से अभिभावक मध्य भय तेज स्कूल खोलिबा नहीं कौन रही सरकार को गाइडलाइन ताहा समस्त नजर। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।